वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम पर काफ़ी समय पहले एक रील्स को अपलोड किया था, लेकिन गाइज आज अचानक से उस रील पर मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाली वो रील है, यहाँ पर मेरे को एक प्रॉब्लम फेस आती है, दिस सॉन्ग इज करंटली अनअवेलेबल। यहाँ पर मैंने सॉन्ग भी अपलोड किया था, लेकिन अब मुझे वो सॉन्ग यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा। तो गाइज अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है, आपको भी यहाँ पर देखने को मिलता है दिस सॉन्ग इज करंटली अनअवेलेबल, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता देता हूं, यहां पर इसके 2 से 3 मेथड हो सकते हैं, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम पर जाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते मिलते रहे। इसके साथ ही जिस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मेथड के अंदर क्या करना है, यहां पर ये ऑडियो अनअवेलेबल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर टैप कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, रिप्लेस ऑडियो, तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहां से दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं रिप्लेस ऑडियो वाला एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, आपको इस पर टैप कर देना, और यहां से आप कोई अदर सॉन्ग यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को यहां पर यह भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे ही वो ऑडियो अनअवेलेबल पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस उनके सामने नहीं आता है, तो उनको दोस्तों 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करना है, एडिट पर टैप कर देना है, तो आपके सामने यहाँ पर सेम वैसा ही इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आप अपनी ऑडियो को रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन गाइज बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, ना तो उनको ऑडियो अनअवेलेबल पर क्लिक करने के बाद रिप्लेस ऑडियो वाला ऑप्शन आता है, ना ही वो 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आता है। तो दोस्तों उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ अदर स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिनको आपको फॉलो करना है, जहाँ से आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% होने वाला है। आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ से बिल्कुल ही बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, ऊपर सर्च बार दिखेगा, सर्च बार पर टैप कर देना है, और यहां पर आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम। तो यहां से आपको चेक करना है कि आपका इंस्टाग्राम पर कोई अपडेट तो नहीं आई हुई, अगर आपको आपके इंस्टाग्राम पर कोई अपडेट देखने को मिलती है कुछ इस तरह से, तो यहां से आप अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहां से बिल्कुल बैक आना है, जो आपके फोन की सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, यहां पर ऐप्स वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर टैप करना है और मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देना है, यहां सर्च बार दिखेगा, सर्च बार पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती है, यहां से दोस्तों आपको इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, यहां से करना है इसका क्लियर कैच, आपको यहां से क्लियर कैच करना है, क्लियर ऑल डाटा नहीं करना है। उसके बाद आपको यहां से बिल्कुल बैक आ जाना है, बैकग्राउंड से आपको अपने इंस्टाग्राम को क्लोज कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना और चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है तो फाइनली दोस्तों आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों बॉटम पर जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको 3 लाइन्स पर टैप कर देना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, आपको अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है, और यहां पर दोस्तों आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, और यहां नीचे आपको ऐड अकाउंट वाला ऑप्शन आ जाता है, यहां से दोस्तों जो आपका फेसबुक अकाउंट है उसको आप इंस्टाग्राम से लिंक कर दीजिएगा। दोस्तों इसे क्या होता है, कुछ म्यूजिक कुछ कंट्री वाइज ब्लॉक होता है और कुछ अलाउड होता है, तो दोस्तों इससे इंस्टाग्राम को आपकी प्रॉपर लोकेशन का पता चल जाता है, और जो म्यूजिक आपके कंट्री के अंदर वैलिड है वो ईजिली आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज यहां से भी काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से चेक कर लेना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, अगर उसके बाद भी सेम एज इट इज प्रॉब्लम बनी हुई है तब गाइज फाइनली आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और रिपोर्ट करने के लिए दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूं, आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों बॉटम पर जो आपकी प्रोफाइल पिक है आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको 3 लाइन्स पर टैप कर देना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है, यहां पर आपको हेल्प वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर टैप करना है, यहां से आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर अगेन टैप करना है, जिसके बाद इंक्लूड एंड कंटिन्यू वाला बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहां पर दोस्तों जो भी ये प्रॉब्लम है इसको अपने वर्ड्स के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब करना है, आपको यहां पर कुछ इस तरह से लिख लेना है, हेलो इंस्टाग्राम, आई एम सीइंग दिस सॉन्ग इज करंटली अनअवेलेबल एरर ऑन माई रील, ऑल्दो आई हैव ऑल्सो अपडेटेड माई इंस्टाग्राम बट माई प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूज, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। उसके बाद दोस्तों आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है
तो आपको उसको यहाँ पर अटैच कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ से उस स्क्रीनशॉट को ले लेना है, जिसके बाद वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर आपको सेंड बटन पर टैप कर देना है, जिसके बाद जो आपकी ये प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम टीम के पास पहुँच जाती है और विद इन वन वीक के अंदर आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपकी प्रॉब्लम हमारी वीडियो की हेल्प से सॉल्व होती है तो उम्मीद करूंगा आप हमें एक प्यारा सा लाइक देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।